नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट अटैक हेलीकॉप्टर को लेके। अब इसको लेके कल रात को सबसे पहले एक अपडेट सामने आया था, जब जेन्स डिफेंस मैगजीन की तरफ से ये बताया गया था कि भारत की तरफ से अभी यूएस के साथ लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है और इसको लेके अभी यूएस को भारत की तरफ से एक ऑफिशियल इंक्वायरी भेजा गया था। अब जिस हेलीकॉप्टर को लेके अभी बातचीत चल रही है उसका नाम MD-330 लाइट रोटरक्राफ्ट है और अभी यूएस की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को अपने अलाइड नेशंस को या फ्रेंडली नेशंस को आने वाले 5 सालों के अंदर इनडेफिनेट क्वांटिटी में डिलीवर करने की बात की गई है। अब इसमें भारत के अलावा केनिया और लेबनन जैसे देश भी मौजूद है जो कि इन हेलीकॉप्टर्स को भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। MHDI की तरफ से अभी MD-530 हेलीकॉप्टर की 2 आर्म्ड वर्जन को ऑफर किया जा रहा है, जिनमें से एक का नाम MD-530F और दूसरे का नाम MD-530G रखा गया है। इनमें से MD-530F वेरिएंट की बात करें तो इसको अफगानिस्तान, केनिया, लेबनन और सऊदी अरेबिया को डिलीवर किया गया था और जी वेरिएंट की बात करें तो इसको मलेशिया को डिलीवर किया गया था। अभी यूएस के मुताबिक इसका नया कस्टमर भारत हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वो अभी अफगानिस्तान के लिए जिन हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई करने के लिए 2 प्रोडक्शन लाइन को खोल रखे थे उनको वापस अभी एक्टिव किया जा सकता है, जहां पर आगे चल के भारत के लिए हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि भारत को वो MD-530 हेलीकॉप्टर की F या G वेरिएंट को ऑफर करने वाले, लेकिन ये दोनों ही E वेरिएंट के मुकाबले बेहतर थे जिनको हॉट और हाई अल्टीट्यूड कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब देखने वाली बात ये है कि क्या भारत इन हेलीकॉप्टर को एक्वायर करता है या फिर नहीं करता, क्योंकि हमारे पास अभी अपनी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी मौजूद है जिसको जरूरत पड़ने पर रुद्र हेलीकॉप्टर की तरह आर्म्ड हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा सकती है और उसके बाद इसको सेम रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, लेकिन LCH की बात करें तो ये MD-530 हेलीकॉप्टर के मुकाबले काफी बेहतर होने के साथ साथ इसको एक अलग ही सेगमेंट का हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है। अगला अपडेट रफाल को लेके, जैसे कि एक या 2 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि फ्रांस की तरफ से अभी भारत को सभी 36 के 36 रफाल को डिलीवर कर दिया गया और आखिरी 3 रफाल जो उनके तरफ से भारत को डिलीवर किए गए थे उनको इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट के साथ भारत को डिलीवर किया गया है। लेकिन अभी कुछ बहुत ही अच्छे खबर सामने आए, क्योंकि भले ही भारत अभी एडिशनल रफाल के लिए ऑर्डर करेगा या फिर नहीं करेगा, लेकिन डसॉल्ट की तरफ से अभी भारत में ही रफाल की असेंबली लाइन को ओपन करने का फैसला किया गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डसॉल्ट को रफाल के काफी ऑर्डर मिल चुके हैं और अभी फ्रांस में डसॉल्ट की जो प्लांट मौजूद है वहां पर अगर रफाल की मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है तो डसॉल्ट एविएशन कभी भी वक्त रहते सभी कस्टमर्स को टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पाएगा। और अगर जो कस्टमर अभी रफाल के लिए ऑर्डर कर रहे हैं तो उनको अगर ज्यादा वेट करना पड़ेगा तो हो सकता है रफाल के लिए पिछले कुछ सालों के अंदर जो मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है उसके ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसी वजह से डसॉल्ट की तरफ से भी भारत में डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में अपनी एक सेकेंडरी असेंबली लाइन को ओपन करने का प्लान किया गया है, जहां पर भारत और साउथ ईस्ट एशियन कस्टमर को सर्विस, मेंटेनेंस और ओवरऑल फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा। पहले किए गए प्लान के मुताबिक रफाल डील के अंदर भारत में डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में एक MRO फैसिलिटी को ओपन करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी जैसे कि इंडोनेशिया और UAE जैसे देशों की तरफ से एडिशनल रफाल के लिए ऑर्डर को किया जा रहा है तो इनको देखते हुए अभी भारत में इसकी एक सेकेंडरी असेंबली लाइन को भी ओपन करने का प्लान किया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये डसॉल्ट एविएशन को एडिशनल रफाल ऑर्डर को हासिल करने में मदद कर सकता है। और वैसे भी अगर भारत की बात करें तो अभी भी टेबल पर 36 एडिशनल रफाल को लेकर एक ऑफर पड़ा हुआ है जिसके बारे में आगे चल के बात किया जा सकता है। अभी डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी में साल में लगभग 24 रफाल को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और यहां पर रफाल को कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में लाया जाएगा और फिर इसको यहां पर असेंबल किया जाएगा। एक और खास बात यह भी है कि डसॉल्ट की तरफ से अभी रफाल की इंजन डोर्स और पायलॉन्स को भी भारत से इम्पोर्ट किया जा रहा है जो कि इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन चुका है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से, अभी एक बार फिर से भारत की तरफ से एक और नोतम वार्निंग को इशू किया गया है और जिन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर इस वार्निंग को इशू किया गया था इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को
डिट्रेस फा की तरफ से अपने ट्विटर आईडी पर पोस्ट किया गया था। अब हालांकि अभी तक ये क्लियरली बताया नहीं गया है कि इसमें किस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली, लेकिन इस वार्निंग को अभी 26 और 27 फरवरी के बीच बे ऑफ बंगाल के ऊपर इशू किया गया है और इससे लगभग 175 किलोमीटर बाय 95 किलोमीटर के दायरे में इशू किया गया है। इसको देखने के बाद हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि मे बी डीआरडीओ अभी अपनी अस्त्र मार्क टू मिसाइल की टेस्टिंग करने वाली, जिसकी रेंज लगभग 160 से 180 किलोमीटर तक होने वाली है और ये भारत का नेक्स्ट जनरेशन का वीवीआर मिसाइल भी होने वाला है। वैसे प्लान के मुताबिक इसी साल की शुरुआत में ही अस्त्र मार्क टू मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली थी और हो सकता है ये वार्निंग अस्त्र मार्क टू मिसाइल की इनिशियल ट्रायल के लिए इशू किया गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जानकारों का यह कहना है कि मे बी भारत की तरफ से अभी अपनी MRSAM ER वेरिएंट को टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि MRSAM का एक अपग्रेडेड वेरिएंट होने वाला है और इसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर तक होने की बात की गई थी। इसमें इसराइल की तरफ से भी भारत को अपनी MRSAM ER वेरिएंट को ऑफर किया गया था, लेकिन डियाडो की तरफ से बताया गया था कि वो अभी अपने दम पर ही अपनी MRSAM ER वेरिएंट के देसी वेरिएंट को डेवलप करने वाले हैं। तो इन दोनों में से किसी एक ही मिसाइल की टेस्टिंग होने की उम्मीद किया जा रहा है और एक्चुअल रिजल्ट टेस्ट होने के बाद ही डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया जाएगा, तब पता चलने वाला है। अगला अपडेट हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को लेके, इसको लेके 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि HAL अभी जल्दी से ही अपनी हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को डेवलप करने वाला है और सेम तरीके की एक सैटेलाइट को भी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से भी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन नाल की तरफ से जो सैटेलाइट डेवलप किया जा रहा है वो एक सिविलियन वेरियंट होने वाली है और वो टेक्निकली HAL की हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के मुकाबले थोड़ा पीछे रहने वाला है। अब HAL की हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की बात करें तो अभी HAL की तरफ से दिए गए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वो इसी साल के अंदर ही अपनी हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने वाले हैं। एक तरफ जहां पर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से अपने दम पर ही हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, वहीं पर HAL और न्यू स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी की तरफ से मिलकर अभी एक हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको प्राइमरली मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अपनी फिजिबिलिटी स्टडी को कम्प्लीट कर लिया गया और बताया गया कि इसी साल की 3rd quarter में ही वो हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की पहली टेस्ट फ्लाइट को करने वाले हैं, जिसमें इसके एक सब स्केल वेरिएंट को टेस्ट किया जाएगा, यानी कि ओरिजिनल हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के मुकाबले एक स्केल डाउन वेरिएंट को बनाया जाएगा जिसको टेस्ट फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी HAL की तरफ से इसके लिए लगभग 50 करोड़ का डिमांड भी किया गया, जिसमें वो पहली सब स्केल प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जिसको आने वाले 4 सालों तक सभी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और लगभग 4 साल तक इसको टेस्ट करने के बाद एक्चुअल हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को ऑपरेशनल किया जाएगा, जो कि लगभग 500 केजी की सैटेलाइट होने वाली है और इसको एक बार लॉन्च करने के बाद ये लगभग 65,000 फीट से 70,000 फीट की ऊंचाई में लगभग 6 महीने तक एक ही बार में उड़ान भर सकता है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, आज एक बार फिर से भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया गया और इस बार ब्रह्मोस मिसाइल की नेवल वेरियंट का टेस्ट किया गया था। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि जिस ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया गया था इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया या फिर नहीं किया गया, पर हो सकता है इस बार इसकी एक वैलिडेशन ट्रायल को कंडक्ट किया गया था, क्योंकि इस बार इसको INS विशाखापट्टनम से टेस्ट किया गया था, जो कि हाल ही में ही इंडियन नेवी में शामिल किया गया और ये इंडियन नेवी का अब तक का सबसे बेहतरीन डिस्ट्रॉयर है, जिसको कुछ ही दिन पहले ही नेवी को डिलीवर किया गया था और इसको नेवी में शामिल करने के बाद ये दूसरी बार है जिसमें INS विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल INS विशाखापट्टनम का प्राइमरी वेपन होने वाला है, तो उसी वजह से शायद यहाँ पर इसकी वैलिडेशन ट्रायल को कंप्लीट किया जा रहा है और अभी इसे वापस विशाखापट्टनम में बुलाया जा रहा है, जहां पर ये प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में शामिल होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।